नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीरों की करने से पहले दो तरह की तस्वीरें आप देख लिए ताकि किसी तरह का फिर आप उलझे नहीं कि मैं किस तरफ जा रहा हूं या किस तरफ नहीं जा रहा हूं। एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं, अपनी माँ के साथ, माँ के चरण छू रहे हैं, माँ के चरणों को धो रहे हैं, माँ के साथ बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, माँ बहुत प्यार से खाना खिला रही है और बड़े आत्मीय संबंध देखिए कितने आत्मीय संबंध है माँ और बेटे के बीच में, और माँ बड़े प्यार से सर पर हाथ रख रही है। दूसरी तरफ देखिए राहुल गांधी की तस्वीरें, ये ताज़ा तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी की तो तस्वीरें आप पहले देखते रहे हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी शामिल हुई तो उनके जूते के तस्ने फीते बांध रहे थे राहुल गांधी, और देखिए पूरी गंभीरता के साथ, उनको कोई टेलीविजन का कोई कैमरे का मुंह नहीं है कि कैमरे की तरफ देखना है, अपना चेहरा उठाना है, पूरी तन्मयता के साथ फीते बांधने में लगे हैं, आप देख रहे हैं तस्वीर में। और सोनिया गांधी के चेहरे पर बड़ी ममतामयी मुस्कान है, थोड़ी लजीली सी मुस्कान है, और फिर वो पैदल साथ साथ चलती हैं। सोनिया गांधी हाथ हिला रही हैं कुछ उनको समझाने की, बताने की, और वो उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दूर चलती हैं, फिर शायद कुछ तबीयत खराब होती है तो राहुल गांधी उन्हें कार में बैठा देते हैं, फिर वो कार से थोड़ी देर बाद फिर निकलती हैं और फिर पैदल चलती हैं साथ साथ राहुल गांधी के साथ साथ। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, और राहुल गांधी तो तस्वीरों के माध्यम से ही अपनी छवि बदलने की कोशिश में लगे हैं, या छवि बदलने की वो अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन ये तस्वीरें ही वो पूरी कहानी बयां कर रही हैं। सोनिया गांधी के साथ वो अमेरिका जाते रहे हैं, जब जब उनकी माँ बीमार हुई इलाज के लिए या टेस्ट के लिए अमेरिका गई तो हमेशा वो साथ गए। अपनी नानी के साथ भी उनका बड़ा अटैचमेंट रहा है, नानी जब बीमार पड़ी तो बहुत बार वो इटली गए, हालांकि इसको बीजेपी ने और दूसरी पार्टियों ने एक मुद्दा भी बनाने की कोशिश की। और उनकी दादी इंदिरा गांधी के साथ भी उनके संबंध बड़े भावनात्मक रहे हैं। एक राहुल गांधी पे किताब आई है जिसमें जिक्र भी किया गया है कि कैसे राहुल गांधी जब छोटे थे तो अंधेरे से डरते थे, तो माँ उनको इंदिरा गांधी दादी उनको धीरे धीरे कहती थी कि चलो बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, रोशनी में आओ, रोशनी में आओ। तो इस तरह की भी किताब में इन बातों का जिक्र है, लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें ये बताती हैं कि परिवारवाद को लेकर भले ही राजनीति चलती रही हो हमारे देश के अंदर, लेकिन परिवार के अंदर, परिवार के सदस्यों के बीच में जब प्रेम की बात आती है, भावनाओं की बात आती है, आत्मीयता की बात आती है, स्नेह की बात आती है, वात्सल्य की बात आती है, तो ये दोनों तस्वीरें एक जैसी हो जाती हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माँ के बीच का प्यार और सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के बीच का प्यार। इससे पहले आपने देखा था कि राहुल गांधी की बारिश में भीगते हुए भाषण देते की तस्वीर आपने देखी थी, बारिश हो रही है फिर भी वो भाषण दे रहे हैं। उनका भाषण देना इस ख्याल लिहाज से बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात इस लिहाज से थी कि सुनने वाले भी वहाँ से हटे नहीं थे, वहाँ से गए नहीं थे, उन्होंने कुर्सी अपने सर पर रख ली थी बारिश से बचने के लिए, और पूरी तन्मयता से वो भाषण राहुल गांधी का सुन रहे थे। तो राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कनेक्ट करना चाह रहे हैं, भावनाओं की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, नफरत छोड़ने की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, और उसको व्यवहार में भी ला रहे हैं, और व्यवहार में लाने की ये सबसे बड़ी तस्वीर आज की ताज़ा तस्वीर है। फीता, अपनी माँ के जूते का फीता बांधते हुए राहुल गांधी, माँ के साथ चलते हुए राहुल गांधी, उन्हें कार में ले जाते हुए राहुल गांधी, और फिर दोनों आपस में बतियाते हुए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और साउथ दक्षिण भारत में ये सब हो रहा है, और दक्षिण भारत तो कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करता रहा है। आपको ध्यान होगा कि इंदिरा गांधी भी जब इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए थे तो उन्हें डर था कि उत्तर भारत में शायद वो सीट नहीं निकाल पाएंगी, तो वो चिकमंगलूर बेंगलोर से के पास में कर्नाटक में चुनाव लड़ी थी वहाँ से और जीती थी। हालांकि अब पूरे इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस को सिर्फ दो सीटें मिली थी, एक कमलनाथ की शायद छिंदवाड़ा की सीट थी और राजस्थान में नागौर में नाथूराम गद्दा जीते थे, बाकी 100-125 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की झोली में अकेले दक्षिण ने डाल ली थी। 1999 में जब सोनिया गांधी पहली बार चुनाव मैदान में उतरी थी तो शायद
पहली या दूसरी बात तो अमेठी से उन्हें थोड़ा लग रहा था कि मुश्किल है। इंदिरा गांधी उसके बाद भी चिकमंगलूर के बाद भी मेडक और आंध्र प्रदेश के मेडक से और रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और बाद में उन्होंने रायबरेली की सीट छोड़ दी थी, दक्षिण भारत की सीट अपने पास रखी थी। इसी तरह सोनिया गांधी भी बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी, हालांकि तब छुपाया गया था, बीजेपी के लोगों को पता ना लगे इसलिए कांग्रेस ने बड़ी गोपनीयता रखी थी। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, एक तरफ बेल्लारी की बात आ रही थी, बेल्लारी की बात नहीं आ रही थी, आ रही थी आंध्र प्रदेश में मेडक या किसी और लोकसभा सीट की बात आ रही थी जिससे सटी हुई बेल्लारी की सीट थी, और अंतिम समय में उनका हवाई जहाज बेल्लारी पहुंच गया था। हालांकि सुषमा स्वराज उनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी सोनिया गांधी के खिलाफ और करीब 65,000 वोटों से वो हारी थी। 2019 में राहुल गांधी खुद जब उन्हें लगा कि अमेठी में जीत मुश्किल है तो केरल के वायनाड पहुंच गए और वायनाड से ही वो इस समय सांसद हैं। तो दक्षिण भारत उभारता रहा है, इस बार भी क्या 2024 में दक्षिण भारत उभारेगा और कर्नाटक भी उनकी गोदी में डालेगा, जो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव अगले कुछ महीनों में होने वाला है, ये अपने आप में देखने की बात होगी। लेकिन अभी हम चूंकि राहुल गांधी भी कोई राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति कोई बात नहीं कर रहे, जनता से जुड़ने की, भावनाओं की, प्यार की, आपस में सामंजस्य की, एकता की, साथी हाथ मिलाना टाइप बातें कर रहे हैं, और ये तस्वीर भी ये अंतिम ये जो तस्वीर जो आखिरी वक्त में अभी हमें मिली है कुछ समय पहले, जिसमें सोनिया गांधी अपनी माँ के साथ चलना, आपस में बात करना, झुक कर फीते बांधना, और झुक कर फीते बांधते समय एक बार भी कैमरे की तरफ नहीं देखना या ये कोशिश भी नहीं करना कि कहीं कैमरे में मेरा चेहरा क्यों नहीं आता, बड़ी बात है, बहुत संकेत देती हैं इन तस्वीरें, ये अच्छी लगती हैं तस्वीरें आज की राजनीति के युग में जब बयानबाजी होती है, एक दूसरे पर नरगल बेतुके आरोप लगाए जाते हैं, बिलो द बेल्ट हमला किया जाता है, तो ये तस्वीरें कुछ राहत देती महसूस होती हैं और जनता के बीच में बड़ा स्नेह वाली जो चीज़ें जाती हैं उससे जनता शायद भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस से और ज़्यादा जुड़ पाएगी और राहुल गांधी की नीयत पर जो लोग संदेह करते हैं वो संदेह और ज़्यादा खत्म होगा। हालांकि बहुत सी ऐसी उनकी बीच में तस्वीरें आई जिनको लेकर बीजेपी ने खास तौर से हल्ला मचाने की कोशिश की और कुछ अनर्गल बयान भी सामने आए जो सब गलत साबित हुए, झूठे साबित हुए, और बीजेपी के आईटी सेल को अपने वो ट्वीट वापस भी करने पड़े या जिन लोगों ने भी ट्वीट किए थे, जगह जगह तो कुछ पत्रकार बंधुओं ने भी ट्वीट कर दिया था बिना सच्चाई को जाने, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से इस पर कुछ निकला नहीं। उन्होंने ये कहा कि मीडिया हमें जगह नहीं देता है, लोकसभा में जब हम बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है, आप लाख माइक बंद करते हैं, लाख मीडिया जगह नहीं दे, लेकिन इस तरह की तस्वीर तो अपनी जगह बना ही लेती है और बना ही रही है, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।